ये धधकती आग आक्रोश की आग है, ये धधकती आग नाराजगी की आग है, आक्रोश हादसे के बाद की। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर सवार तीन लोग धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे, जो इस दुर्घटना में जख्मी हो गए। घायलों को MY अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इधर हादसे के बाद लोग नाराज हो गए और कार को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती और आग पर काबू पाती, इससे पहले ही कार जलकर खाक हो चुकी थी। गांव का दृश्य, सुबह का वक्त और खेत में सेना का हेलीकॉप्टर, तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड जिले की हैं। एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। नया गांव थाना इलाके के जमखौली गांव के नजदीक सिंध नदी के बीहड़ में हेलीकॉप्टर उतरा। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर को रूटीन ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दोनों पायलट्स और हेलीकॉप्टर सेफ हैं, इसकी सूचना के बाद क्रू को दूसरा हेलीकॉप्टर भेजकर मदद दी गई। इधर खेत में हेलीकॉप्टर उतरने की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। प्रशासनिक अमले ने पुलिस बल को मौके के लिए रवाना किया, फिर तकनीकी खामियों को दूर करने की कवायद शुरू हुई। बताते चलें कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी और आधुनिक सूचना प्रणाली इसे और खतरनाक बनाती है। सघन पर्वतीय क्षेत्रों में ये सबसे कारगर हेलीकॉप्टर है। पहाड़ियों और घाटियों में छिपे दुश्मन को भी आसानी से तलाश कर उन पर सटीक निशाना साध सकता है ये। इसे कई तरह के बड़े बम, बंदूकों और मिसाइल से लैस किया जा सकता है। दिल्ली के शहबाद डेरी पुलिस थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक सनकी आशिक ने दिन दहाड़े नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी का नाम साहिल बताया जा रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि साहिल गली में जा रही लड़की को रोकता है और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। सीसीटीवी में ये भी दिखाई दे रहा है कि आरोपी साहिल लड़की को चाकुओं से गोद रहा है, करीब 40 वार करता है। इसके बाद पत्थर उठाकर लड़की को मार देता है। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहता है। इस दौरान गली से कई लोग गुजरते भी हैं। इन लोगों को ये सब कुछ दिखता भी है, लेकिन कोई भी लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर बाद साहिल मौके से फरार हो जाता है। इसके बाद घायल लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिसिया तंत्र और मूक दर्शक बने लोगों की सामाजिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर वारदात को देख रहे लोगों ने आरोपी को रोका होता तो शायद युवती की जान बच सकती थी। अरे जोर से बताओ, अच्छी होता है, सुनो मेरी बहनों। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभान्वितों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। योजना के तहत सत्यापित महिलाओं के खाते में सबसे पहले शगुन का 1 रुपया आएगा, फिर किस्त आनी शुरू होगी। योजना के तहत राशि की पहली किस्त 10 जून को लाभान्वितों के खाते में आएगी। पहली किस्त में हर लाभुक के खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। आपको बताते चलें कि भोपाल में 3 लाख महिलाओं ने योजना के लिए अप्लाई किया था, जिनमें 2 लाख सत्यापित हो चुकी हैं। नौतपा को लेकर जो आशंकाएं थीं, वो खारिज होती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में अभी आंधी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश का मौसम भीगा भीगा है, कई जिलों में बारिश हो रही है। उज्जैन में जमकर आंधी चली और बारिश भी हुई, जिससे कई जगहों पर पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, इलाके में बत्ती गुल हो गई। और शाजापुर की बात करें तो यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, आंधी की वजह से बिजली चली गई, जिसकी वजह से शहर अंधेरे में डूब गया। इधर सीहोर में मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते तेज बारिश हुई, इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। रेहटी तहसील में चकल्दी सहित आसपास के कई गांव में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते जहां कई पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं बिजली की तारों पर पेड़ों के गिरने से बिजली भी प्रभावित हुई।
तेज बारिश और ओले गिरने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम ने ऐसी करवट ली कि शहर शहर तबाही जैसा मंजर हो गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साए साए कर हवाएं चलती रही, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी की तबाही का आलम इस बात से समझ सकते हैं कि महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। अब इसका वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें देखिए। हवाओं के झोंके में मूर्तियां एक एक कर गिरती नजर आ रही हैं। मौके पर मौजूद किसी श्रद्धालु ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तेज आंधी के वक्त महाकाल लोक में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस आंधी बारिश से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अब मूर्तियों की मरम्मत कर वापस उन्हें निर्धारित स्थानों पर लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था। इसके बाद महाकाल लोक आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। तभी से महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो चुकी है। गुजरात की कंपनी के द्वारा बनाई गई मूर्तियां, जिसकी रखरखाव की जवाबदारी 5 साल तक कंपनी की है, लेकिन 1 साल में ही सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां तेज हवाओं के कारण जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। महाकाल लोक में लगी अलग अलग मूर्तियों की कीमत 45 करोड़ की है। सड़क पर रफ्तार भरती इस ई रिक्शा को देख रहे हैं आप। इसे चलाने वाला कोई आम ड्राइवर नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से भाजपा के विधायक अशोक रोहाणी हैं। दरअसल प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा विधायक रोहाणी अपने अनोखे अंदाज में सड़क का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। चमचमाता कुर्ता पजामा, गले में गमछा और ई रिक्शा का स्टीयरिंग संभालते हुए विधायक सड़क पर रफ्तार भरने लगे। आपको बता दें कि रोहाणी कैंट से विधायक हैं। रांझी के मोनी तिराहे से बड़ा पत्थर तक सड़क का निर्माण कराया गया, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर ठेकेदार की भी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने ठेकेदार को सही ढंग से काम न करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। विधायक के इस अनोखे अंदाज का वीडियो वायरल हो रहा है। मक्खन रोड है एकदम, बहुत बढ़िया बनी है। हाँ, एक नंबर की। आज भैया स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं आज रोड का। हाँ, ये खबर आपको सावधान करती है, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। जब भी कभी बच्चे खेल रहे हों तो उन्हें अकेला मत छोड़िए, अन्यथा वे कभी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। घर के बाहर गली में जहां मासूम खेल रही है, मौके पर दादी भी बैठी हुई हैं, तभी खेलते खेलते मासूम नाले में गिर जाती है। गनीमत ये कि मौके पर मौजूद मासूम की मां ने तत्काल बच्चे को वहां से बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं खुले नाले को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आए दिन खुले नाले के कारण देश भर में कई हादसे होते हैं। असम के गुवाहाटी में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां इंजीनियरिंग के छात्रों से भरी वैन रास्ते में डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वैन में सवार 7 छात्रों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए सभी छात्र असम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। बताया जाता है कि तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा हुआ। वैन में कुल 10 छात्र सवार थे। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हादसे में घायल छात्रों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सड़क हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा कि जलुकबारी इलाके में सड़क दुर्घटना में युवाओं की मौत से बेहद दुखी हूं। उनके माता पिता और परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।
छत्तीसगढ़ अपनी अलग संस्कृति के लिए देश भर में मशहूर राज्य है, जहां की आदिवासी संस्कृति दुनिया भर में एक अलग छटा बिखेरती है। प्रदेश में ऐतिहासिक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, 1 जून से इसका आगाज होगा। इस महोत्सव में प्रदेश की संस्कृति की झलक दिखेगी। इसमें कई प्रतिभागी दल हिस्सा लेंगे, जिनका मार्च पास्ट देखने को मिलेगा। फिर दोपहर 3 बजे से रामायण मंडलियों की प्रस्तुति होगी। महोत्सव की पहली शाम इंडियन आइडल फेम प्रसिद्ध सिंगर शनमुख प्रिया और शरद शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। 2 जून को दोपहर 3 बजे से रामायण मंडली प्रस्तुति देंगे। फिर शाम को भजन गायक लखबीर सिंह लखा और प्रसिद्ध गायक बाबा रघुवंशी समा बांधेंगे। 3 जून को शाम 6 बजे केलो महाआरती और दीपदान का कार्यक्रम होगा। इस दिन कुमार विश्वास रामकथा सुनाएंगे। फिर मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर प्रस्तुति होगी। खुला मैदान और आपस में लिपटे हुए नाग नागन का मनोरम दृश्य, तस्वीरें हैं ना रोमांचित करने वाली। सांपों की फुफकार मारते आक्रामक तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा से नाग नागन का डांस करते आई तस्वीरें काफी मनमोहक है। देखिए, नाग नागन एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और अटकेलियां कर रहे हैं। इससे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कटघोरा के कासनिया स्कूल के पारा के खेत में नाग नागिन का ये जोड़ा दिखाई दिया। मौके पर देखने के लिए पहुंचे लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जो अब वायरल हो रहा है। रायपुर से दुर्ग के बीच नेशनल हाईवे 53 में 3 अलग अलग जगहों पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके चलते डबरापारा तिराहा निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के नीचे पाइपलाइन का कार्य किया जाना है। इस कार्य के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्ट करने का फैसला लिया है। इस दौरान जो लोग दुर्ग से रायपुर जाना चाह रहे हैं वो उतई सैलूद फंडा मोतीपुर अमलेश्वर मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। दुर्ग से रायपुर मार्ग डबरापारा के पास बंद रहेगा। वाहनों को परिवर्तित मार्ग खुर्सीपार चौक से कैनाल रोड होते हुए हथखोज से उमदा भिलाई 3 मार्ग का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही हल्के वाहनों को कैनाल रोड के 0 पॉइंट से डबरापारा तिराहा से निकाला जाएगा। सोमवार रात 10:30 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक रूट बाधित रहेगा। निर्धारित वैकल्पिक मार्ग से वाहनों का आवागमन होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर भी घमासान शुरू हो चुका है। अभद्र टिप्पणी को दूध से मिटाया गया। कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल और उनकी पत्नी महापौर कंचन जायसवाल ने वॉल पेंटिंग कराई, लेकिन उनकी वॉल पेंटिंग पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद विधायक ने इन अभद्र टिप्पणियों को दूध से मिटवाया और इसे बीजेपी की साजिश बताया। वहीं जब इस बारे में बीजेपी से बात की गई तो उसने कांग्रेस की अंदरूनी अंतर्कलह बताते हुए निशाना साधा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इस तरह के राजनीतिक घमासान और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। घर के कोने में फुफकारता हुआ नाग, जब परिजनों की नजर पड़ी तो उनके पांव ठिठक गए, सभी घर के कोने में दुबक गए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं, जहां घर में उस वक्त हड़कंप मचा जब परिजनों ने फुफकारते हुए नाग को देख लिया। फर्श पर रेंगता हुआ कोबरा काफी डरावना लग रहा था। तत्काल इसकी सूचना स्नेक कैचर टीम को दी गई। काफी देर तक लोग सहमे रहे। जब रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची तो काफी मशक्कत के बाद नाग का रेस्क्यू हो पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब नाग घर के अंदर मिला हो, पहले भी कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। डलास, हैंडलबार, फू मांचू, हॉर्स शू, शेवरन, क्या आपको पता है ये सभी मूछों के स्टाइल हैं? बदलते समय के साथ फैशन बदला, लेकिन मूछें कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुई। लोग मूछों को मर्दों की शान भी कहते हैं।
विंग कमांडर अभिनंदन से लेकर राजपुताना राइफल्स के जवानों की रौबदार मूछें साहस और शौर्य के प्रतीक की तरह प्रतीत होती हैं। कई राज्यों में तो पुलिस जवानों को भी मूछ भत्ता तक दिया जाता है। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी थी। एक वक्त था जब गुंडे बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस कर्मियों को मूछें सवारने का भत्ता दिया जाता था। ये भत्ता पहले 50 रुपए था, जिसे बाद में बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया, लेकिन अब प्रदेश में मूछ भत्ता बंद कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से लेकर थाने तक आमतौर पर क्लीन शेव पुलिस कर्मी ही नजर आते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पुलिस कर्मी हैं जिन्हें उनकी मूछों से बहुत प्यार है। भत्ता मिले या न मिले, इन्होंने अपनी मूछों पर ताव देना नहीं छोड़ा। एक जमाना था जब हट्टे कट्टे और रौबदार पुलिस कर्मियों को देखते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते थे, लेकिन अब पुलिस का सौम्य चेहरा नजर आता है, मूछ गायब हो चुकी है। हालांकि जिन्हें मूछों का महत्व पता है, उनके लिए आज भी ये शान है। एक दस्तखत के लिए 70 किलोमीटर की दूरी या फिर 14 किलोमीटर जंगल पहाड़ के रास्ते पैदल पंचायत तक पहुंचना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के पूटा पंचायत के गांव डांड जमड़ी की, जहां लगभग 70 परिवार रहते हैं, जिसे अपने सरपंच से दस्तखत कराने के लिए पहाड़ जंगल को पैदल ही 14 किलोमीटर तक का सफर तय करके पार करना पड़ता है और पूटा पंचायत पहुंचना पड़ता है। और अगर सड़क के रास्ते जाएं तो 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसके लिए पहले उन्हें बिलासपुर जिले के केंदा जाना होता है और उसके बाद केंदा से गौरेला पेंड्रा होते हुए बस्ती बगरा पूटा पहुंचना होता है। यहां के लोगों ने अलग पंचायत की मांग के लिए कई बार स्थानीय प्रतिनिधियों और विधायक से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। जशपुर जिले में सूखते नदी नालों के चलते गिरता जल स्तर भीषण गर्मी में जिलेवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जशपुर जिले में इन दिनों नदी नाले सूखे हुए हैं, नतीजतन जल स्तर बेहद गिर चुका है। ऐसे में हैंडपंप, बोरवेल सभी सूखे पड़े हैं। इस भीषण गर्मी में लोगों के सामने जल संकट बड़ी समस्या बना हुआ है। जहां जल संवर्धन और संरक्षण के लिए पूरे साल कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए विशेष पहल नजर नहीं आती, तो वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का शासकीय भवनों या नगरीय निकायों के भवनों में आज भी अभाव है। ऐसे में गिरते जल स्तर को रोकने में कारगर साबित होने वाला बारिश के पानी का संरक्षण जिले में बिल्कुल भी नजर नहीं आता, और अब आलम यह है कि जिलेवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। बहरहाल सूखते नदी नालों के बीच गिरता जल स्तर रोकने का काम जल संरक्षण ही एक उपाय है। वनांचल जशपुर में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए धरातल पर प्रशासनिक पहल हो तो शायद जल संकट से लोगों को राहत मिले। फिलहाल इस भीषण गर्मी में जिलेवासियों को जल संकट से राहत और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। भगवान राम की नगरी सज रही है, अयोध्या की भव्यता लौट रही है, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं राम नगरी में परवान चढ़ रही हैं। धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। अयोध्या वासियों को और यहां आने वाले पर्यटकों को योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। जी हां, अयोध्या आने वाले पर्यटक अब पावर पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान से अयोध्या के मठ मंदिरों का दर्शन करेंगे। अयोध्या के नेशनल हाईवे के किनारे बालूघाट पर पावर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बालूघाट और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में एडवेंचर क्लब की स्थापना की गई है। उसी के तहत पवन सुत नाम की कंपनी ने पावर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की। यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है। पर्यटक तमन्ना ने कहा कि उन्हें पैराग्लाइडिंग कर बहुत ही अच्छा लगा।
राजस्थान देश का एक ऐसा राज्य है जो घूमने के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ कई राजा महाराजाओं का राज रहा है, जिनके भव्य महल और राजसी किले आज भी मौजूद हैं, जो अपनी स्थापत्य कला और खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। टोंक की सुनहरी कोठी भी राजस्थान के सुंदर हवेलियों में से एक है। ये टोंक सवाई माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने कराया था। सुनहरी कोठी महल के नाम से अधिक लोकप्रिय है और इसकी सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हवेली की भीतरी दीवारों पर सोने के रंग से पुताई की गई है, साथ ही कांच और रत्नों की सजावट भी है। इस कोठी की स्थापत्य कला मुगल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। वैसे तो प्रदेश सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है, लेकिन ये कोठी प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रही है। लेकिन अब आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने इसके सुनहरे दिन लौटाने का वादा किया है। टोंक आए धर्मेंद्र राठौर ने सुनहरी कोठी का दौरा किया और भरोसा दिया कि इसका कायाकल्प किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का मॉल रोड इन दिनों अलग अलग फूलों की खुशबू से महक रहा है। दरअसल शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के मौके पर फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई दुर्लभ प्रजातियों के फूल देखने को मिल रहे हैं। स्कूली छात्रों से इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कराया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी में कृषि विभाग, एडवांस स्टडी, एजी ऑफिस सहित 6 विभागों के साथ ही कई लोगों ने तरह तरह के फूल लगाए हैं। प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। आयोजकों का कहना है कि शिमला के लोगों में फूलों को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शनी का मकसद शिमला को हरा भरा और सुंदर बनाना है, और फूलों से ज्यादा कोई चीज सुंदर नहीं हो सकती। आयोजकों ने बताया कि अच्छे किस्म के फूल रखने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा।